हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट टैब। आज की क्लास में हम पेज लेआउट टैब को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम कमांड्स है और इसमें से जो आधी कमांड्स है वो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली थीम से। देखिए, पेज लेआउट टैब में जो पहला हमारे पास ग्रुप है वो थीम ग्रुप है। इस थीम ग्रुप के अंदर हमारे पास देखिए चार कमांड्स है। वैसे तो ये एक ही कमांड है, एक ही कमांड के चार पार्ट्स हैं। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि हमको पता ही है, रैंडमली थ्री पैराग्राफ हम लिख लेते हैं। उसके बाद अपनी इंसर्ट टैब से, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, हम कुछ भी इंसर्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने एक स्टार इंसर्ट कर रखा है, यहाँ ये स्टार इंसर्ट कर लिया। एंड अब अपने आते हैं पेज लेआउट में। देखिए, सबसे पहली जो हमारी है थीम, थीम के अंदर ये अलग अलग थीम दी हुई है। अब देखिए, जैसे आप थीम चेंज कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखिए, बैकग्राउंड में फॉन्ट चेंज हो रही है, ठीक है, साइज चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और जो इमेज है देखिए उसका कलर भी चेंज हो रहा है, उसके बॉर्डर का टाइप भी चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें अपने यहां से चेंज कर सकते हैं। ये सारी क्या है, थीम्स हैं। ये थीम्स हम अलग अलग टेम्पलेट से और कहीं दूसरी जगह से भी उठा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे कंप्यूटर में जो थीम है, हम उसमें से जो थीम चाहें उस तरीके से सेट कर सकते हैं। देखिए, इस थीम सेट की तो सेट होगी। थीम का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई थीम सेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे मोबाइल का बैकग्राउंड चेंज होता है, उसके आइकन चेंज हो जाते हैं, उसमें लिखे हुए उनका फॉन्ट चेंज हो जाता है। तो वही सब चीज एमएस वर्ड में हमारे एक डॉक्यूमेंट के साथ होती है कि थीम कमांड से हम ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने डॉक्यूमेंट का पूरा लुक आप इससे चेंज कर सकते हो। इसके बाद अपने पास थीम के अंदर तीन चीजें अलग हो रहे हैं, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। देखिए, कलर में क्या है, अगर मैं कलर पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये अलग सिर्फ कलर को चेंज कर रहा है और किसी चीज को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं फॉन्ट पे आता हूं तो केवल ये फॉन्ट चेंज कर रहा है और किसी चीज को चेंज नहीं करेगा, तो ये सिर्फ फॉन्ट के लिए अप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर मैं इफेक्ट पे जाता हूं तो देखिए जो स्पेशल इफेक्ट, मतलब देखिए आप सिर्फ इस इमेज पे फोकस कीजिए, देखिए इसका जो बॉर्डर है वो चेंज होता जा रहा है, तो ये इसका स्पेशल इफेक्ट जो इसके बॉर्डर पे है वो अलग अलग इफेक्ट लगाता रहेगा। तो इस तरीके से ये थीम कमांड आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है पेज सेटअप। देखिए, जो पेज लेआउट की मेन कमांड है वो पेज सेटअप ही है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो पेज है वो प्रिंट जब अपने निकालेंगे तो कैसा प्रिंट निकलेगा, सब कुछ आपको पेज सेटअप से ही शो होगा। तो हम पेज सेटअप पे चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन पेज सेटअप ग्रुप के अंदर है मार्जिन। तो देखिए, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि देखो मार्जिन इसमें है लास्ट कस्टम सेटिंग जो हमने लास्ट की है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेटेड। तो ये जैसे आप जिस पे क्लिक करोगे उस हिसाब से देखिए हमारे पेज का जो मार्जिन है, ये देखिए ये मार्जिन है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, चार मार्जिन होते हैं हमारे पास। तो ये चारों मार्जिन अलग अलग टाइप से चेंज हो जाएंगे। ये देखिए मार्जिन बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हो। ये देखिए, एक चीज आपको इसमें याद रखने वाली है कि नॉर्मल मार्जिन जो होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल मार्जिन में हमारे पास टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी ये टॉप है नीचे बॉटम, ये चारों जो मार्जिन है वो 2.54 सेंटीमीटर के ही होते हैं, इतनी सेमी की आपके जगह छोड़ेगा। हमने जो फिलहाल जो रूलर सेट किया हुआ है अपना, वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग किया हुआ है। देखो, व्यू के अंदर हम यहाँ जाते हैं, रूलर कौन करते हैं, तो ये सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमारा रूलर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका मार्जिन है वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि भाई आपका जो मार्जिन है नॉर्मल मार्जिन में चारों तरफ से जो आपका जो मार्जिन रहेगा वो 2.54 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से होता है, नैरो मार्जिन में क्या रहेगा, वाइड मार्जिन में क्या रहेगा, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो ये है। और एक है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन मतलब हम अपने हिसाब से कोई मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो वो कस्टम मार्जिन होता है, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे जैसे आप क्लिक करोगे अलग डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए टॉप से मार्जिन अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखिए टॉप का मार्जिन मैंने 3 सेंटीमीटर कर दिया, पीछे थोड़ा सा सेंटीमीटर बढ़ गया। ये चीज मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं। देखिए मार्जिन मार्जिन को चेंज करना है, आप देखिए जो रूलर है मेरे पास, टॉप रूलर है, जो लेफ्ट में रूलर है हमारा, इन रूलर से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी अपने नॉर्मल मार्जिन पे रहते हैं, इसके भी नॉर्मल मार्जिन हमें रखना है। ये आपका नॉर्मल मार्जिन आ गया। इसके बाद आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन, ये क्वेश्चन आरसीईआरटी में तो बहुत बार पूछा जाता है। मार्जिन का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है कि उसमें नॉर्मल मार्जिन कितना होता है, ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिए। जबकि पेज ओरिएंटेशन में क्या है, ओरिएंटेशन हमारे पास दो प्रकार की होती है, हिंदी में कहते हैं दिशा निर्देश। पेज दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में। विड्थ वाइज आपको पेज बनाना है तो ये हम अपने मैटर के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कोई इमेज उमेज अगर आपने डाल रखी है, वो थोड़ी बड़ी इमेज है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर सकते हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, मतलब पेज आपका लंबाई में ही आता है। लैंडस्केप डायरीज होती है, ज्यादातर लैंडस्केप होती है,
तो आप जैसा भी करना चाहो यहाँ सेट कर सकते हो। उसके बाद पेपर का साइज है, जिस साइज का पेपर आप प्रिंट आउट के दौरान लगा रहे हो वो अलग अलग साइज है, तो ये हमें अलग अलग साइज रखे हैं। ये साइज देखिए, जो हमारे पास नॉर्मल A4 पेज का साइज होता है वो 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर होता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और दूसरा जो हमारे पास लेटर है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि लेटर क्या क्या होता है, 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर है ये। तो जो लीगल है, लेटर है, A4 है, इनके साइज मैक्सिमम कई बार पूछे जाते हैं हमसे, तो आप इनके साइज याद रखिए। ये साइज तब पूछे जाएंगे जब आप कोई बड़ा जो स्टैंडर्ड टाइप का अगर कोई आपका पेपर दे रहे हो, आप उसके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो A4 का नॉर्मली आप याद रखिएगा कि A4 का साइज ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोलम। अब देखिए कोलम थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैं एक बार ये जो हमने इमेज इंसर्ट कर रखी है इसको हटा देते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करके थोड़ा मैटर को भरा लेते हैं अपने, Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट। अभी हम एक क्लास और बनाएंगे जिसके अंदर सारी की सारी शॉर्टकट की है वो भी आपको बताएंगे, बट फिलहाल अपने इस पेज लेआउट टैब को कंप्लीट करेंगे आज। तो देखिए हमने अभी काफी सारे पेज बना लिए, अब है कोलम। देखिए कोलम क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर हम अपने हमारे जो पेज होता है वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हम इसी तरीके से पेज को बीच में से डिवाइड कर सकते हैं कोलम में। देखिए कोलम दे रखा है 1, 2, 2 कोलम करते, देखिए हमारा पेज है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये देखिए ठीक है। और अगर मैं करता हूं 3 कोलम तो 3 कोलम बन गए। इसी तरीके से आप अलग अलग कोलम बना सकते हो, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में ज्यादा, राइट साइड में कम मैटर आएगा आपका, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। इसी में एक ऑप्शन है मोर कोलम। मोर कोलम में हम जैसे 3 कोलम बनाए हमने, हम यहां से 4, 5 भी कोलम बना सकते हैं। मैंने 3 कोलम किए और मैंने कहा लाइन बिटवीन आ जाए, मतलब हर कोलम के बीच में लाइन आ जाए। ओके करेंगे, ये देखिए आपके 3 कोलम बन चुके हैं और हर कोलम के बीच में आपके पास लाइन आ चुकी है, तो ये लाइन सेट करता है, तो मोर कोलम में लाइन सेट की जाएगी। इसके बाद देखो विड्थ वुड्थ हम यहाँ सेट कर सकते हैं, वैसे इसको आप क्या इक्वल कोलम विड्थ ही रखना चाहिए ज्यादातर, इससे क्या होगा कि सबकी विड्थ इक्वल रहेगी। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो मेरे कोलम की, जैसे मैं नंबर 1 कोलम है इसकी विड्थ को मैं बढ़ाता हूं तो इसकी बढ़ जाएगी और बाकी 2 की विड्थ थोड़ी कम कम हो जाएगी, ये देखिए। तो सेट किया जा सकता है इस तरीके से, तो ये कोलम सेट हो जाएंगे, वापस 1 करेंगे तो एक कोलम बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेक। ब्रेक हमारे पास बेसिकली है 3 प्रकार के, पेज ब्रेक, कोलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। इसमें टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक है, इसको आप याद रखिएगा ठीक है। फिलहाल अपने पहले पेज ब्रेक करते हैं। मैंने देखिए वेन और यू, यहां कर्सर छोड़ा, वेन और यू के बीच में कर्सर छोड़ दिया और मैं करता हूं पेज ब्रेक। जैसे मैं पेज ब्रेक करूंगा तो उसके बाद वाला सारा का सारा मैटर, देखिए वेन के बाद का सारा मैटर कहां चला गया, नेक्स्ट पेज पे चला गया आपका, तो ये पेज ब्रेक होता है। Ctrl+Z अंडू होता है, हम वापस पहले पे आ जाते हैं। अब इसके बाद अपने करते हैं कोलम ब्रेक। अभी देखिए अगर मैं इस पर वापस वहीं कर्सर है मेरा और कोलम ब्रेक पे क्लिक करता हूं तो पेज ब्रेक ही हुआ है। देखिए वेन के बाद जो कर्सर था मेरा यू, उसके बाद वाला सारा मैटर नेक्स्ट पेज पे आ गया, तो अभी कोलम ब्रेक करने पर पेज ब्रेक हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने फिलहाल कोलम बनाए नहीं हुए। अगर आपने कोलम बनाए हुए होते तो आपका कोलम ब्रेक होता, तो अपने ये करने के लिए एक बार कोलम बना लेते हैं दोबारा। मैंने 2 कोलम कर लिए ये। अब मेरा ये वेन के बाद, मान लो मैंने ये ओवरऑल लुक लिखा हुआ है देखिए यहां, तो मैंने इस ओवरऑल लुक के बाद यहां कर्सर रख दिया और मैंने यहां जाके ब्रेक पे किया कोलम ब्रेक, तो देखिए क्या हुआ, अब आपके पास जो मैटर था ओवरऑल के बाद वाला सारा का सारा मैटर नेक्स्ट कोलम में चला गया। इसे कहते हैं कोलम ब्रेक करना ठीक है। अंडू करते हैं अपने, वापस पहले जैसे सेट कर देते हैं और वापस इसमें एक कोलम बना देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा इसके अंदर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या होता है, लाइन को चेंज करना, केवल लाइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्सर मैंने यहां रखा और जाके टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक पे मैंने क्लिक किया तो सिर्फ लाइन चेंज हुई है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुझे ऐसे ही लाइन चेंज करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट एंटर, यानी कि आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो टेक्स्ट रैपिंग होगी, मतलब लाइन चेंज होगी। केवल एंटर प्रेस करते हैं जब अपने तो पैराग्राफ चेंज होगा, और अगर मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा पेज चेंज हो जाता है। तो यानी पेज ब्रेक करने के लिए मेरे पास कमांड होती है Ctrl+Enter, आप पेज को चेंज कर सकते हैं। और पैराग्राफ चेंज करने के लिए, ये वैसे हमने पहले पैराग्राफ टैब में कर ली थी कि पैराग्राफ एंटर प्रेस करने पे पैराग्राफ चेंज होता है और Shift+Enter प्रेस करने पे लाइन चेंज होती है। नेक्स्ट आपके पास इसमें जो कमांड है लाइन नंबर, ये सभी के आगे लाइन नंबर लगा देगा। मैंने लाइन नंबर पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, देखिए कंटिन्यू लाइन नंबर लग गया आपके। पहले पेज पे 41 लाइन है, फिर उसके बाद आगे 42 से स्टार्ट होकर आगे तक बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसमें लाइन नंबर रीस्टार्ट ईच पेज कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए पहले पेज में 41 तक थी, दूसरे पेज में वापस 1 से लेकर आगे चलती रहेंगी, इस तरीके से इसके लाइनें चलती रहेंगी। अगर मैं कहता हूं
रिस्टार्ट ईच पेज के बाद रिस्टार्ट ईच सेक्शन, हम क्या कर सकते हैं अपने पेज के अंदर अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, कोई पार्टीशन नॉर्मली पैराग्राफ जैसे ही होता है सेक्शन भी, तो सेक्शन अगर आपने बना रखे होंगे तो हर सेक्शन के बाद दोबारा लाइन नंबर वन से स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा कर्सर देखिए इस पैराग्राफ पे, दूसरे पैराग्राफ पे, हम स्टार्टिंग पहले पेज आते हैं और मेरा इस 6 नंबर लाइन वाले पैराग्राफ पे है, तो मैं यहां जाके क्या करता हूं लाइन नंबर में सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करता हूं, तो जिस पैराग्राफ पे मेरा कर्सर था उस पैराग्राफ को छोड़ के बाकी सभी जगह पे हमारे पास लाइन नंबर सेट हो गया। और लास्ट में इसके अंदर है लाइन नंबर ऑप्शन, जैसे मैं इसको ऑफ करता हूं और लाइन नंबर ऑप्शन पे जाता हूं तो ये लाइन नंबर ऑप्शन दिखाएगा मुझे। इसमें देखिए आपके पास पेज सेटअप का अलग कॉलम आया है, यहां देखिए इधर लाइन नंबर लिखा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर ऑप्शन आ गया मेरे पास। देखिए स्टार्ट एट वन, इसका मतलब है मेरा लाइन नंबर जो है वो एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। अगर मैं यहां कर देता हूं 3 या 4 कर दिया मैंने, तो अब मेरा जो लाइन नंबर होगा ना वो 4 से स्टार्ट होगा ना कि 1 से। उसके बाद है टेक्स्ट से कितनी दूरी पर हो, तो जो ये डिस्टेंस है 1 और जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इनके बीच का, इस डिस्टेंस को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। वैसे इसको ऑटो ही रखा जाता है नॉर्मल, कि आपका ये जो डिस्टेंस है ये नॉर्मल ही रहे, इसमें ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो ये हमने नॉर्मली रख दिया कि भी मेरा जो इफेक्ट है वो नॉर्मल रहेगा। ऑटो काउंट बाय 1, तो 1 2 3 4 1 से रहेगा, और अगर मैं काउंट बाय 2 रखूंगा तो 2 4 6 8 इस तरीके से आएगा, मैंने इसको 1 ही रखा। ये वही अगर रिस्टार्ट ईच पेज इस सेक्शन और कंटिन्यू, मैंने रिस्टार्ट ईच पेज किया, अब देखिए मैंने स्टार्ट एट क्या कर रखा है 4, एड लाइन नंबर तो ऑन रखना ही आपको, ओके किया और इसको ओके किया, तो देखिए अब मेरा जो लाइन नंबर है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए हर पेज पे 4 से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से आप पेज लाइन नंबर को सेट कर सकते हो। नन कर दीजिए लाइन नंबर हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइफनेशन। हाइफन क्या होते हैं, देखिए हाइफन का यूज किया जाता है जब किसी पैराग्राफ में कोई मैटर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लास्ट लाइन के लास्ट में कुछ ऐसी बड़ा वर्ड आ रहा है, तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में वो नीचे चला जाता है, लेकिन अगर मैं हाइफन का यूज करूंगा तो आधा ऊपर फिर डैश लगा के आधा नीचे आता है, तो वो जो डैश होता है उसी को हाइफन कहा जाता है। तो ये वो हाइफन को सेट करने का ऑप्शन ही है केवल, तो अभी नन है, मैंने ऑटोमेटिक करूंगा तो अपने आप ये हाइफन लगा देगा। देखिए ऑटोमेटिक करते ही देखिए जो फूटर है इसका आधा ऊपर आ गया, आधा नीचे डायरेक्टली है, इसका डीआई ऊपर आ गया और बाद की आधा नीचे आ गया, ये जो लगे हुए ये देखिए ये हाइफन होते हैं हमारे, ये देखिए ये हाइफन लगा दिए इसने, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप लगा दिए। मैं अंडू करके हटा देता हूं। इसके बाद अगर मैं इसको ऑटोमेटिक की बजाय करता हूं मैनुअल, अब मैंने इसमें मैनुअल पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ कर गया, देखिए लगा रहा है कि फुटर पे लगाना है, मैंने कहा यस, डायरेक्टली लगाना, मैंने कहा नो तो नहीं लगाया उसमें, जहां जहां आप यस करोगे वहां वहां आपका आईफोन लग जाएगा और बाकी जगह पे आईफोन नहीं लगेगा, तो इस तरीके से अपने आईफोन लगा सकते हैं, नन करेंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है पेज बैकग्राउंड के लिए, होता है अपने डॉक्यूमेंट के पेज के बैकग्राउंड में कोई नाम कोई लोगो लगाना, जैसे नॉर्मली अपने कॉलेज के या किसी कोचिंग सेंटर के जब हम नोट्स लेते हैं तो उसके बैकग्राउंड में उनका लोगो लगा होता है नोट्स के बैकग्राउंड में, और या फिर नाम लिखा होता है, तो वो अपने वाटरमार्क से ही लगाते हैं। तो अपने वो कैसे लगाते हैं, देखिए वाटरमार्क पे जाते हैं तो सबसे पहले तो देखो ये कुछ बने हुए वाटरमार्क है, जैसे कॉन्फिडेंशियल डो नॉट कॉपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यही वाटरमार्क हो जाए, देखिए हल्का सा वाटरमार्क बैकग्राउंड में आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कुछ अपना पर्सनल वाटरमार्क लगाना है तो हम कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, देखिए कस्टम वाटरमार्क पे जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, नो वाटरमार्क हटाने के लिए, पिक्चर वाटरमार्क किसी लोगो को लगाने के लिए, या टेक्स्ट वाटरमार्क आप जो मर्जी लिख सकते हो इसमें। तो इसमें देखिए लैंग्वेज इंग्लिश रखी मैंने और टेक्स्ट मैंने लिख दिया कि भी मैंने लिखना है इसमें आईईसी कंप्यूटर सेंटर, ये वाटरमार्क चाहिए। फॉन्ट आपको इसका जो चाहिए आप यहां से फॉन्ट सेट कर सकते हो, फॉन्ट मैंने नॉर्मली रख लिया इसका, चलो ये रख दिया मैंने, और उसके बाद फॉन्ट को सेट करने के बाद हमने क्या किया, साइज नॉर्मल साइज नॉर्मली रखते हैं। अब इसके बाद ये है थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं, और मैंने डायगोनल रखना या हॉरिजॉन्टल रखना ये आप सेट करते हो, देखो डायगोनल करेंगे तो देखिए पीछे कैसा आ गया, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा तो देखिए ये सीधा लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप जैसा रखना चाहो वैसा इसका रख सकते हो। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, देखिए बैकग्राउंड में दिख रहा है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं थोड़ा सा लाइट कलर, तो देखिए अलग कलर आ गया, तो आप जैसा मर्जी अपना बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो ये तो होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। अगर मुझे पिक्चर वाटरमार्क है तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, अब ये मेरे पास खुल जाएगा ऑप्शन, डेस्कटॉप पे जाते हैं, देखिए यहां पे हमारे पास कोई ये पड़ा लोगो, इसे मैंने इंसर्ट किया और अप्लाई कर दिया। अब देखिए पीछे बैकग्राउंड में हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो लगा हुआ आ रहा है, ठीक है हर पेज पे अपने आप लग जाएगा ये, तो इस तरीके से वाटरमार्क आप लगा सकते हो। और जब आपको हटाना हो तो आप नॉर्मल वही वाटरमार्क पे जाइए और रिमूव वाटरमार्क से आप लोगो हटा सकते हो। नेक्स्ट है पेज कलर, तो ये अलग अलग कलर हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप अपने पेज के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं।
और इसके बाद इसमें कुछ मोर कलर भी हैं, जहाँ से आप कोई दूसरा कलर चाहिए आपको, जैसे ब्लू थोड़ा लाइट में चाहिए तो यहाँ से आप इसे लाइट कर सकते हैं। देखिए कलर सेट है ये नॉर्मल, अगर आपने एमएस पेंट पुंट किया है तो आपको कलर कलर सेट करने आते होंगे। नेक्स्ट इसमें एक इफेक्ट है, मतलब आप बैकग्राउंड में जो कलर लगा रहे हो सिंगल कलर नहीं लगाना चाहते, मल्टीपल कलर लगाना चाहते हो, कुछ डिजाइन लगाना चाहते हो, तो फिल इफेक्ट में जाएंगे। अब फिल इफेक्ट में वन कलर मैंने कहा अभी पहला कलर मेरा ले लिया ये, एंड सेकंड कलर टू कलर मैंने ले लिया कि भाई मेरे पास दूसरा कलर है ये, इन दो कलर का मिक्सअप लगाना चाहता हूं। देखो कुछ मिक्सअप दे दिए इन्होंने इसने अलग अलग। इसमें एक प्रीसेट में जाके मैं कुछ और प्रीसेट भी ले सकता हूं, देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये बने हुए कॉम्बिनेशन है, ये चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हो, या दो कलर आप खुद सेलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ जो प्रीसेट में बने हुए हैं उनमें से उठा लो। डेजर्ट टाइप का चाहिए तो देखिए इसको भी आप जैसा मर्जी सिलेक्ट करोगे। ये देखो सैंपल दिखा रहा है चार, इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जैसे ये अच्छा लगा ओके किया बैकग्राउंड में लग गया, अपने मैटर के हिसाब से आप ये लगा सकते हो देखिए। ठीक है, तो ये पेज कलर के अंदर फिल इफेक्ट में और भी है, जैसे टेक्सचर बने हुए टेक्सचर्स हैं जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट करो और आप लगा लीजिए, जैसे मुझे ये अच्छा लगा मैंने ओके किया ये लो। या फिर आप इसके अंदर पैटर्न्स में जाके दो कलर मिक्स कर सकते हैं, जो दो कलर आप मिक्स करोगे वो दो कलर आपके देखिए अलग अलग डिजाइन आ गए, आप वो लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, बड़े बड़े अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, वो डिजाइन आप सेट कर सकते हो। यहाँ पिक्चर्स में बैकग्राउंड में कोई फोटो लगानी है आपने तो कलर की बजाय पूरी की पूरी फोटो आप लगा सकते हो, जैसे अपने वही अपने सेंटर की फोटो लगाते हैं बैकग्राउंड में, देखिए किया ओके किया ये देखिए। ठीक है, तो हमें फोटो भी इस हिसाब से लगानी है कि वो सही दिखाई दे, सही तरीके से शो हो। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं। तो ये सारे सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको कलर लगाना हो वो आप लगा सकते हो, और नहीं लगाना तो आप यहाँ पे नो कलर पे जाके सब कुछ हटा सकते हैं। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर में भी मेरे पास तीन चीजें हैं, जैसे मैंने सेकंड पैराग्राफ पे कर्सर रखा हुआ फिलहाल, टू चेंज द ओवरऑल, इस पैराग्राफ पे मेरा कर्सर है। मैंने पेज बॉर्डर पे गया और यहाँ पे सबसे पहले देखो तीन ऑप्शन है, एक है बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। पहले अपने करेंगे इसमें बॉर्डर, बॉर्डर सिर्फ पैराग्राफ का बॉर्डर लगाएगा। यहां से आप बॉर्डर का टाइप सेलेक्ट कीजिए, यहां से बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद यहां से कलर की बॉर्डर की मोटाई और डिजाइन डिजाइन जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारा चीज सिलेक्ट कर लिया अगर हमने, उसके बाद आप इसको देखिए यहां से ऊपर वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, ये पूरा आपका पैराग्राफ दिखा रहा है, पैराग्राफ की सेटिंग है, तो जैसा आपको चाहिए ऑन किया ओके किया ये देखिए लग गया। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है पेज बॉर्डर, ये बॉर्डर पूरे पेज का लगेगा, वही ऑप्शन है देखिए सारे के सारे, आप जैसा मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर 3D। इसमें एक अलग ऑप्शन है ये, जिसमें आर्ट मतलब कुछ डिजाइन बने हुए हैं वो आप बॉर्डर पे लगा सकते हो देखिए। और लास्ट ऑप्शन इसके अंदर है शेडिंग, जिस पैराग्राफ पे मेरा कर्सर है उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट करना। वैसे बैकग्राउंड कलर हमने पीछे सेट कर लिया है, उसी चीज को ये सेट करता है देखिए, जहां कर्सर है केवल उस पैराग्राफ का। ये चीज हम पहले भी कर सकते हैं, होम टैब में हम पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। तो ये चीज सेट कर ली गई है, इसके बाद आप कंट्रोल जेड करके नॉर्मल कर देते हैं अपने वापस। नेक्स्ट है इंडेंट्स। देखिए इंडेंट्स और स्पेसिंग, ये हमारे पास होम टैब के अंदर इंडेंट्स का ऑप्शन यहां आया था और स्पेसिंग का ऑप्शन हमने यहां किया था, तो वही चीज दोबारा है हमारे पास पेज लेआउट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि पेज लेआउट में कई ऑप्शन है वो सारे दोबारा आएंगे, जैसे पैराग्राफ वाला दोबारा आ गया, ये अरेंज वाले ऑप्शन दोबारा आ गए। अब देखिए इंडेंट में वहां से सिर्फ लेफ्ट इंडेंट दिख रहा था, यहां से हम किसी पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट दोनों इंडेंट सेट कर सकते हैं। अब मैंने इस दूसरे पैराग्राफ पे कर्सर रखा है और लेफ्ट इंडेंट बढ़ाता हूं तो देखिए लेफ्ट साइड से दूर होता है पैराग्राफ, और राइट इंडेंट बढ़ाऊंगा तो राइट साइड से दूर होता जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल का आपको करना है तो इसमें 0-0 कर दीजिए, देखिए नॉर्मल हो जाएगा वापस, जैसा आपको चाहिए वैसा नॉर्मल कर सकते हो आप इसे। ये इंडेंट्स होते हैं, और इंडेंट की बात जो हम करेंगे वो है स्पेसिंग। देखिए इसमें क्या होता है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है देखिए, बिफोर मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ से दूर कर रहा है, और आफ्टर मतलब नीचे वाले पैराग्राफ से दूर करेगा, ये देखिए कम ज्यादा कर सकते हैं। ये पोजीशन है, जब आप दो इमेज इंसर्ट कर लोगे तो ये सारे ऑप्शन उसमें काम करेंगे, जो हमने पहले इंसर्ट में बहुत सारी चीजों के साथ कर लिए हैं, तो ये आप अपने आप करेंगे। और ये सारी की सारा आज की क्लास थी। अब आपको इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आई है, जो चीज आपके क्लियर नहीं हुई है, वो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको एमएस वर्ड के बाद एक्सेल की जो हम क्लास लेंगे वो भी मिल सके।